पहुंचे हैं। अखिलेश यादव मायावती से मिलने पहुंचे हैं। एक बड़ी खबर है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चूंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो बहुत स्वाभाविक है, इन दोनों के मन मुताबिक तो नहीं है, और सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि अखिलेश और मायावती का जो गठबंधन हुआ है उससे बहुत फायदा होने वाला नहीं है। अगर 2014 के लिहाज से देख लीजिए तो बसपा के कुछ एक सांसद पार्लियामेंट में चले जाए, समाजवादी के 5 थे, उपचुनाव आते आते 7 हो गए थे, तो उसमें से एक आध दो आंकड़ा बढ़ के हो जाए। ध्यान ही दीजिएगा कि ये एग्जिट पोल के आधार पर अंतिम निर्णय 23 तारीख को आएंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर भारत समाचार पर हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र, इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल आया है कल, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कभी गठबंधन को 54 सीटों पर आगे बढ़त दिखाई जा रही थी तो कोई 15 से 16 सीट दे रहा है। तो ये जो राजनीतिक स्थितियां नहीं बन रही हैं, और आगे जिस तरह से तीसरे मोर्चे को लेकर चंद्रबाबू नायडू का दौरा था, उन सब चीजों पर मंथन करने के लिए, बातचीत करने के लिए अखिलेश मायावती के यहाँ पहुंचे हैं, और दो बड़े नेता इस विश्वास के साथ पहुंचे हैं कि रिजल्ट और परिणाम चाहे जो हो, लेकिन उनके बीच में आपसी सामंजस्य कहीं कमजोर ना हो, शायद ये दर्शाने के लिए, जताने के लिए अखिलेश यादव ने पहल की है। जी, यानी रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन कम से कम जितने लोगों ने उन्हें वोट किया है उनमें ये पॉजिटिव मैसेज चला जाए कि देखिए, इस परिणाम के बाद भी हम साथ हैं, अच्छे परिणाम के बाद भी साथ हैं। ये मुलाकात इसलिए है? बिल्कुल, यही उसका उद्देश्य है। और ये भी अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की बात है कि जो एग्जिट पोल है उसके परिणामों से घबराएं नहीं, अभी असली परिणाम आने बाकी हैं, और अखिलेश और मायावती दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा जता रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता भी पूरी तरह से उत्साहित रहें, कहीं उनका मोराल ना डाउन हो, और साथ साथ फ्यूचर में हम दोनों साथ रहेंगे इसको लेकर भी उनका मंथन होगा। आज ये चर्चा थी कि कांग्रेस की एक बैठक है, उसमें मायावती दिल्ली जा सकती थी, तो मायावती ने दिल्ली नहीं गई है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार की बैठक में भाग लेने नहीं जा रही है। तो ये अखिलेश और मायावती जो भी तय करेंगे आगे केंद्र की राजनीति में, उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, वो संयुक्त रूप से तय करेंगे हर चीज को, और उसके साथ साथ संयुक्त रूप से ही आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कहीं कोई गफलत न रहे और कोई ये न कहने पाए कि एक पार्टी के लोगों ने ज्यादा मेहनत की, दूसरे के लोगों ने नहीं की। शायद इन सब तमाम चीजों पर, भविष्य की बयानबाजियों पर और भविष्य की रणनीति पर बैठक करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं। मुलाकात 9 माल एवेन्यू में हो रही है? जी बिल्कुल, मायावती के आवास पर 9 माल एवेन्यू जो है वहाँ अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, और बहुत गोपनीय कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का कोई खुलासा नहीं था कि वो मिलने जाएंगे, लेकिन दोनों की टेलीफोनिक वार्ता हुई होगी और उसके बाद अखिलेश यादव पहुंचे हैं वहाँ पर मिलने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मायावती और अखिलेश की ये मुलाकात विश्वास बहाली के लिए और चुनाव परिणाम के बाद बनने वाली रणनीति के लिए और एग्जिट पोल के बाद माहौल पर, तमाम चीजों पर चर्चा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह ने यह पूरी जानकारी दी है। यानी अखिलेश यादव मायावती के घर पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए। असल में रिजल्ट कुछ भी आए, बेहतर आए जो इन्होंने सोचा है, तब भी मुलाकात होनी बहुत जरूरी है। जो इन लोगों ने नहीं सोचा है, अगर उसके मुताबिक भी रिजल्ट आता है तो एक बड़ी अच्छी चीज होनी चाहिए कि कम से कम इन दोनों की जो दोस्ती है, जो गठबंधन है, वो अच्छे रिजल्ट के बाद भी बना रहे, खराब रिजल्ट के बाद भी बना रहे। इसीलिए अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए मायावती के घर पहुंचे हैं, 9 मॉल एवेन्यू पहुंचे हुए हैं मुलाकात के लिए। हालांकि बड़ी गोपनीय मीटिंग थी, कोई पहले से तय कार्यक्रम नहीं था। अखिलेश यादव ने मायावती को फोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, फिर अखिलेश यादव उनके आवास 9 माल एवेन्यू पहुंच गए उनसे मुलाकात करने के लिए। चूंकि गठबंधन ये सोच रखा था कि वो एक बहुत बड़ा प्लान करने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा उनके प्रत्याशी जीत कर आएंगे, लेकिन अगर आप तमाम एग्जिट पोल को देखेंगे बहुत गौर से, अब दर्शक एक चीज इसको भी समझें कि अंतिम परिणाम के लिए उन्हें 23 मई का ही इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एग्जिट पोल भी लाखों लाख लोगों के बीच होता है, लाखों लाख लोगों से बातचीत की जाती है, उस बिहाव पर एग्जिट पोल होता है, तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए
तो उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अमित शाह ने पहले से ही ये प्लानिंग की थी, तकरीबन 3 साल पहले से की, वो 50% लड़ाई पर ही लड़ेंगे, यानी अगर उनको 50% वोटर्स मिल जाता है तो उन्हीं को साधने की कोशिश की जाएगी। और पिछली बार का जो आंकड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 17 करोड़ वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो था वो इस बार 22 करोड़ लोगों तक पहुंचने का था, क्योंकि 22 करोड़ लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया था भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो अखिलेश मायावती से मिलने पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। मायावती के घर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, रिजल्ट आने से पहले ये दोनों ही नेताओं की कटसी मीटिंग है, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, क्या एटीट्यूड रहेगा, क्योंकि अब गठबंधन ग्राउंड पर भी हो गया है। लो अब मायावती ही कह रही थी कि बसपा का वोट सपा में ट्रांसफर होगा, अब अखिलेश यादव भी बहुत मेहनत कर रहे थे, तो गठबंधन बना रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में 2022 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो इसीलिए हो सकता है कि ये अहम मुलाकात हो यूपी की सियासत से जुड़ी, निसंदेह ये एक बड़ी खबर है। और